हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना, मार्केट रिस्क ही है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है एक अननोन बिलियनियर की, जिसने की स्पेंड किए $3 बिलियन और उन्होंने यहाँ पर इन $3 बिलियन के खरीदे हैं बिटकॉइन, और अब वो बन गए हैं दुनिया के तीसरे सबसे लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो दैट मींस कि वो टॉप 3 में आ गए। उन्होंने नो डाउट जो एक तरीके से जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं खरीदी है, सिर्फ 0.7% यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो उन्होंने खरीदे हैं सर्कुलेशन के, लेकिन फिर भी वो अभी के लिए तीसरे नंबर पर आ चुके हैं बिटकॉइन होल्डर। किसने खरीदी, कहाँ खरीदी, कैसे खरीदी, इसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल है सिर्फ एक यहाँ पर, ये जो आप ये कह सकते हैं एक अकाउंट अवेलेबल है यहाँ पर, जिस अकाउंट में यहाँ पर इतने सारे क्रिप्टो जो बिटकॉइंस हैं वो जा रहे हैं। तो करीब 21 जुलाई को यहाँ पर लास्ट परचेज हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर जो बैलेंस था वो 1,32,877.91 BTC का बन गया था, जो आज की डेट में 1,31,882.78 यहाँ पर है। तो अब इतने यहाँ पर जो बिटकॉइन थे वो एक ही अकाउंट में यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब कौन है, कहाँ से है, ये डिटेल्स जो है वो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। अगली न्यूज की बात करें तो कर्व फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर एक एक्सप्लॉयट हुआ था, जिसको उन्होंने फाइंड किया और फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर उसको ठीक भी किया। उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनका जो जो मेलिशियस जो भी फाइंड हुआ है वो उनके वॉलेट्स में नहीं है, वो उनकी एप्लीकेशन में नहीं था, वो उनकी वेबसाइट में था, और उसके थ्रू ही यहाँ पर ये जो एक्सप्लॉयट था वो हुआ, और यूजर्स के करीब $573,000 जो थे वो यहाँ पर चोरी हुए थे। तो अब इसके बारे में उन्होंने और कोई डिटेल यहाँ पर अभी तक शेयर नहीं करी है कि वो इसको वापस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे उनका जो भी प्लान आउट होगा वो कैसे होगा नहीं बता रहे हैं अभी तक। अगली न्यूज़ यहाँ पर सर्कल की तरफ से है, तो सर्कल ने यहाँ पर बोला कि वो सिर्फ इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक का जो ब्लॉकचेन होगा उसी को ही सपोर्ट करेंगे मर्ज के बाद, और वो प्रूफ ऑफ वर्क वाले जो ब्लॉकचेन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उनके अकॉर्डिंगली वो बहुत बढ़िया यहाँ पर काम कर रहे हैं इथेरियम के लिए, तो अब वो चाहते हैं कि वो सिर्फ इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक वाला जो ब्लॉकचेन है उसी के ऊपर ही अपनी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें। अगली न्यूज़ की बात करें तो टोर्नेडो कैश की हमने आपसे कल न्यूज़ कवर करी थी कि उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है US के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ एक शरारती तत्व जो होते हैं वो यहाँ पर अपना काम करते ही रहते हैं ऐसे केसेस में। तो अब एक यहाँ पर काम एक और अनोनिमस यूज़र ने यहाँ पर जो किया है, उसने इथीरियम सेंड किए हैं यहाँ पर टोर्नेडो कैश के अकाउंट से बड़ी बड़ी हस्तियों को। यहाँ पर अगर बात करें बड़ी बड़ी हस्तियों के, तो उन्होंने कॉइनबेस के जो CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रांग उनको भी भेजा है, अमेरिकन टेलीविजन होस्ट हैं जिमी फैलन उनको भी भेजा है, स्नूप डॉग को भी भेजा है। तो ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना जो कैश है वो भेजा है, और यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि ये जो एक शरारत है वही करने के लिए कि भाई टोर्नेडो कैश को बंद कर दिया है फिर भी हम उसके ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं, और सिर्फ भेजा जा रहा है 0.1 इथीरियम ही हर एक बंदे को, तो ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं। अगली न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो साइफर पंक, वो मेरे ख्याल से साइफर पंक ऐसी पहली पब्लिक फर्म थी जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करी थी, अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी बिटकॉइन के अंदर, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन्होंने जून के अंत तक यहाँ पर अपनी सारी 100% क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी उनके पास थी वो सारी ही सारी वो सेल आउट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर वो बयान दे रहे हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंगली बिटकॉइन अभी भी बुलिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने सारी बेच दी है तो बिटकॉइन जो है वो बुलिश नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि हम जैसे ही हमें फिर से मौका मिलेगा हम वापस से बाय इन ज़रूर करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो रेडिट जो है वो FTX के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर रही है, और वो एक कम्युनिटी पॉइंट्स यहाँ पर लेकर आने का जो प्लान था उनका वो लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि इन कम्युनिटी पॉइंट्स से यहाँ पर जो यूज़र हैं वो इथीरियम की गैस फीस भी पे कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। तो इससे बेनिफिट यहाँ पर इथीरियम के जो यूज़र्स होंगे जो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है कि वो अपने कम्युनिटी पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं इथीरियम गैस के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो 1 इंच का जो एक जो 1 इंच ब्लॉकचेन है उसका यहाँ पर पार्टनरशिप या ये कहें कि उसकी यहाँ पर टाइप जो है वो यहाँ पर हुआ है क्लेटिन के साथ। तो क्लेटिन यहाँ पर जो ब्लॉकचेन मेननेट है क्लेटिन की उसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने ये सारी जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर वो करी है, और उनके अकॉर्डिंगली इससे उनको इम्प्रूव करने में बेनिफिट मिलेगी कि एक तो उनकी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाएगी ब्लॉकचेन के ऊपर अगर वो 1 इंच के साथ यहाँ पर अपना टाइप जो है वो कर रहे हैं तो। अगली न्यूज़ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बयान आया
बताया था कि वो सीबीडीसीज की और नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ब्लॉकचेन जो कर रही है, जो क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी है मार्केट में, वो जो कर रही हैं वो सीबीडीसी के थ्रू नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलियन रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बोला कि वो भी अब यूज़ केसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं सीबीडीसी के। तो अब एक साल के अंदर या कुछ ही महीनों में वो बता देंगे कौन कौन से यहाँ पर पार्टनरशिप्स, जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ पर इस ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस के, सीबीडीसी के ब्लू पायलट प्रोजेक्ट जो सीबीडीसी का होगा उसके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे कौन कौन होंगे, और ये एक साल तक चलेगा उनका पायलट प्रोजेक्ट जो है। अगली न्यूज एक्सी इन्फिनिटी की है। एक्सी इन्फिनिटी यहाँ पर देख रही है कि जो कोरियन मार्केट है वहां पर जाकर वो अपना जो एक तरीके से रेवेन्यू है उसको बढ़ा सके, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली कोरियन मार्केट में बहुत सारे गेमर्स हैं, और जिसके चलते यहाँ पर वो नो डाउट इससे जो इम्प्रूवमेंट है उनके ब्लॉकचेन में भी आ सकती है, और उनकी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उनके नंबर ऑफ यूजर्स, जो एक्टिव यूजर्स हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा जो बाहर का है वो यहाँ पर कोरिया में जाकर अपनी गेमिंग को फैसिलिटेट नहीं करवा सकता है, तो उसके लिए उनको अभी रेगुलेशंस वाली जो एक दौड़ है वो लगानी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो इसके ऊपर अपना डिसीजन जो है वो फाइनल कर पाएंगे। अगली न्यूज़, मैराथन डिजिटल, जो एक और यहाँ पर अगर हम बात करें माइनिंग फर्म है, तो उन्होंने यहाँ पर अपना जो पोस्ट किया है क्वार्टर टू का रिजल्ट, उसमें उन्होंने नेगेटिव में अपना जो वैल्यू है वो दिखाई है। उनके अकॉर्डिंगली वो इम्पेयरमेंट लॉस में चल रहे हैं यहाँ पर, और वैसे अगर बिटकॉइन की प्रोडक्शन की बात करी जाए तो उन्होंने 8% ईयर ऑन ईयर जो है वो गेन किया है। दैट मीन्स लास्ट ईयर उन्होंने जो क्वार्टर टू में बनाया था बिटकॉइन, उसके अगेंस्ट में अगर इस बार की बात करी जाए तो उनका 8% ज़्यादा है। इस बार उन्होंने क्वार्टर टू में 707 बिटकॉइन माइन किए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करी जाए लास्ट ईयर की तो उसमें वो कम थे, और वहीं अगर लास्ट क्वार्टर की बात करी जाए 2022 के तो वो उससे कम है। और उसका उन्होंने यहाँ पर बोला है कि उनको एनर्जी जो है वो जो प्रोवाइड हो रही थी यूज़ करने के लिए वो उतने प्रॉपर लेवल पे नहीं हो पाई, क्योंकि हीट वेव के चलते यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन थी उनकी वो लेस हो गई थी। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो क्लीन स्पार्क जो है उन्होंने यहाँ पर जो ये भी एक फर्म है माइनिंग फर्म, तो उन्होंने प्लग इन रेडी एक बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी जो है उसको बाय इन किया है यहाँ पर। उसकी कैपेसिटी यहाँ पर 86 मेगावाट की है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसमें जो 36 मेगावाट ही लगे हैं और बाकी के यहाँ पर वो प्लग इन कर सकते हैं। अगर वो नए इक्विपमेंट खरीदते हैं तो वो 86 MW की जो कैपेसिटी है मेगावाट्स की उसको बना सकते हैं इस प्लांट के अंदर। तो अब यहाँ पर वो देख रहे हैं कि अगर वो इसको पूरा कर देते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया ले जाते हैं, तो वो अपने हैश रेट में 38% तक का इजाफा जो है वो कर सकते हैं, और उसके बाद माइनिंग में उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। वहीं अगर कॉइनबेस के शेयर की यहाँ पर बात करी जाए तो उसके शेयर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला है, क्योंकि हमने एक न्यूज़ आपसे कवर करी थी कि कॉइनबेस को करीब करीब 46% लॉस हुआ है अगर वॉल्यूम की बात करी जाए, ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो वहीं उसके चलते अब यहाँ पर उनको ये नुकसान हो रहा है कि उनके जो शेयर मार्केट प्राइस है वो भी नीचे गिर रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं, और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।